एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए फाइनली आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 4 का आखिरी एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डिवो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। वो फ्लैश टीम के छक्के छुड़ाते हुए उन्हीं के सामने स्टार लैब में घुसकर यहीं के सैटेलाइट से अपनी इनलाइटमेंट मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि कुछ ही घंटों में चार्ज होकर पूरी पृथ्वी पर फैलने वाली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन फ्लैश सीजन 4 के आखिरी एपिसोड नंबर 23 के साथ, जिसकी शुरुआत जीटर कैफे से होती है, जहां से कैप्टन सिंह बैरी को कॉल कर बताता है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम वापस अपनी जॉब पर अब आ सकते हो। तभी यहाँ सारी इलेक्ट्रिक चीजों को डिवो हैक कर पूरी सिटी की पावर को ऑफ कर देता है और ये सारी एनर्जी अपने सैटेलाइट को जल्द से जल्द चार्ज होने में लगा देता है। तो दूसरी तरफ इस तरह के माहौल देखते हुए जो सेसिल को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बजाय स्टार लैब में लेकर आता है, ताकि यहाँ कैथलीन सेसिल की डिलीवरी कर सके, जिसे सुन फौरन ही सभी तैयारी में लग जाते हैं। सबसे पहले तो सिस्को स्टार लैब की पर्सनल जनरेटर को ऑन कर स्टार लैब में इलेक्ट्रिसिटी लाता है और फिर बैरी के साथ डिस्कस करने लगता है कि डिवो के सैटेलाइट को कैसे रोका जाए। कि तभी यहाँ आयरिस और हैरिसन मार्लिस को कन्वेंस कर लेकर यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ मार्लिस फटाफट अपने काम में लग जाती है और फिर फ्लैश टीम को बताती है डिवो को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके दिमाग में घुसकर उसके अंदर मौजूद अच्छे वाले क्लिफोर्ड डिवो को ढूंढकर उसे बताना होगा कि ये इनलाइटमेंट डिवाइस सुरक्षित नहीं है और ये काम सिर्फ बैरी ही कर सकता है, क्योंकि बैरी एक स्पीडस्टर है, वो डिवो के माइंड में हम सब से कई ज़्यादा अधिक तेजी से क्लिफोर्ड को ढूंढ सकता है। और इस काम के लिए बैरी को सेसिल की टेलीपैथी वाली पावर की मदद लेनी होगी, जिसे सुन पहले तो जॉय मना कर देता है, क्योंकि सेसिल तो खुद इस वक्त डिलीवरी के लास्ट स्टेज पे थी, उसे डिलीवरी पेन भी शुरू हो चुका था। जवाब में मार्लिस बोलती है हमारे पास सिर्फ सेसिल ही आखिरी उम्मीद है डिवो को रोकने के लिए। तब यहाँ सभी सोच विचार कर आखिर में सेसिल की सहमति से उसे एक चेयर पर बिठा देते हैं और सेसिल के माथे पर एक डिवाइस लगाई जाती है, जिससे कि सामने बैठे बैरी चेयर में लगे वायर से अपने सिर से कनेक्ट कर डायरेक्ट डिवो के माइंड में चला जाता है। तब डिवो के माइंड में बैरी सबसे पहले उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कि वही बस लगी थी, जिसके अंदर के पूरे पैसेंजर को डिवो ने पूरे प्लानिंग के साथ मेटा ह्यूमन में कन्वर्ट करवाया था। वही बैरी देखता है यहाँ तो डिवो घूम रहा है, जिसे सुना मार्ली जब बैरी को अपने घर जाने बोलती है ताकि वहाँ वो क्लिफोर्ड मिल सके। अब यहाँ घर पर भी क्लिफोर्ड बैरी को नहीं मिलता, आगे अब मार्लिस बैरी को ऑक्सफोर्ड कॉलेज के नज़दीक वाले पार्क में जाने बोलती है, जहाँ पर कि मार्लिस और क्लिफोर्ड अक्सर रोमांटिक डेट पर जाया करते थे। अब यहाँ पहुँचने पर बैरी को क्लिफोर्ड तो नहीं बल्कि डिबनी मिलता है, जिसे देख पहले तो बैरी दंग रह जाता, फिर डिबनी को पकड़कर उसे गले से लगा लेता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिबनी इधर कैसे। तो फ्रेंड्स, चूंकि डिवो इस वक्त डिबनी के शरीर में ही था, वो डिबनी को जिंदा छोड़े हुए था अपने माइंड में लॉक कर, क्योंकि अगर डिबनी मर गया तो डिवो भी मारा जाएगा। वहीं अब ये सारी बातें बैरी और डिबनी कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डिवो इन्हें देख लेता है और फिर बैरी को अपने माइंड में देख डिवो समझ जाता है कि मार्लिस अब फ्लैश टीम के साथ मिल चुकी है। तब यहाँ सबसे पहले तो डिवो बैरी पर अटैक करता है, जहाँ बैरी डिबनी को अपने साथ लेकर ऑक्सफोर्ड कॉलेज में छिपने जाता है। अब यहाँ अटैक कर डिवो स्टार लैब पहुँचता है, जिसे देख मार्लिस यहाँ डिवो से बचने के लिए पॉकेट डायमेंशन का इस्तेमाल कर यहाँ से भी सभी के साथ गायब हो जाती है। तो इधर वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज पहुँचते बैरी देखता है डिवो ऑलरेडी यहाँ पर क्लिफोर्ड को मार चुका है। अब यहाँ पर क्लिफोर्ड को मरा देख बैरी और डिबनी ये सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या होगा। तभी बैरी को आइडिया आता है और वो डिबनी को बताता है, डिवो ने डिबनी को इसलिए अभी तक जिंदा रखा है क्योंकि डिवो डिबनी के शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, पर अगर डिबनी चाहे तो वो डिवो को हरा कर उससे अपनी बॉडी वापस ले सकता है, बस डिबनी को डिवो के माइंड को अपने बॉडी के अंदर हावी होने से रोकना होगा। जिसे सुन डिबनी को भी जोश आ जाता है और वो बैरी को पहले तो डिवो के माइंड से बाहर निकालने का जुगाड़ करने लगता है, जिसके लिए डिबनी अपने फुल यूनिफॉर्म के साथ भी तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों कॉलेज से बाहर निकल सड़क पर आते हैं। तो यहाँ इन्हें दो दो डिवो दिखता है। अब चूंकि फ्रेंड्स ये तो डिवो का ही माइंड था, वो अपने माइंड में तो कुछ भी कर सकता था, इसीलिए अब यहाँ डिवो एक से कई अधिक अपनी क्लोन बनाकर बैरी और डिबनी पर अटैक करने लगता है। तब बैरी और डिबनी भी एक साथ मिलकर इन सभी डिवो के क्लोन को ख़त्म करने में लग जाते हैं। तो इधर अब सेसिल की भी हालत ख़राब होने लगी थी, तभी डिवो ढूंढता हुआ इनके न्यू वाले लोकेशन पर भी पहुंच जाता है
और फिर बैरी को अपने दिमाग में उलझाकर इधर बाहर अब डिवो अपनी पूरी ताकत से इस बार मार्लिस द्वारा बनाई प्रोटेक्शन वॉल को तोड़कर इन सभी पर अटैक करता है और फिर जेनेट की एबिलिटी से सभी को स्थिर कर सेसिल की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि सेसिल को जान से मारकर बैरी की कनेक्शन खत्म कर वो हमेशा के लिए बैरी को अपने ही माइंड में कैद कर लेना चाहता था, जिसे कि अब बीच में आकर जोय रोकने की कोशिश भी करता है। पर कहाँ एक इतना ताकतवर शख्स और कहाँ एक साधारण सा इंसान कब तक टिक पाता। अब यहाँ जोय की भी हालत खस्ती कर जैसे ही डिवो सेसिल की जान लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ बैरी भी डिवो के माइंड से बाहर निकल आता है और फिर डिवो को धक्का देकर दूर गिरा देता है। तब डिबनी भी अब अंदर से आखिरकार डिवो के माइंड को हरा कर डिबनी खुद पहले जैसा हो जाता है। अब यहाँ जैसे ही डिवो का अस्तित्व खत्म होता है उसके साथ ही 11 बस मेटा की भी पावर खत्म हो जाती है और सैटेलाइट भी लॉन्च होते होते एंड वक्त पर रुक जाती है, जिसे देख मार्ली सहित पूरी फ्लैश टीम राहत की सांस लेती है। तभी यहाँ कोर्टेक्स में वापस से डिवो अपनी पुरानी चेयर पर बैठे पहले से रिकॉर्ड की गई होलोग्राम के जरिए फ्लैश टीम को बताता है, वैसे तो तुम लोगों के जीतने के चांसेस ना के बराबर है, पर फिर भी अगर तुम लोग जीत गए होगे ना तो एक बात याद रखना, मेरे सैटेलाइट को तो तुम लोगों ने लॉन्च होने से पहले ही रोक लिया होगा, पर जैसे उस सैटेलाइट से जेनेट की पावर हटेगी वो सीधे पृथ्वी पर टूट कर गिरना शुरू कर देगी। अब इससे अपनी सिटी को बचा सकते हो तो बचा लो। अब ये देख मार्लिस डिवो के चेयर का मेन डिवाइस निकाल कर इसे बंद कर देती है। तब बैरी सिस्को और डिबनी बाहर टाउन को बचाने निकलते हैं, जहाँ की ऑलरेडी इन सैटेलाइट के गिरते टुकड़े से पूरे सिटी में तबाही शुरू भी हो चुकी थी, जिसे एक एक कर ये तीनों खत्म कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ बैरी की नज़र एक पूरे सैटेलाइट पर पड़ती है जो कि तेजी से नीचे गिर रही होती है, जिसे देख अब बैरी अपने पूरे स्पीड से भागता हुआ सिटी के सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर अपने अंदर मौजूद काइनेटिक एनर्जी से इस सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। और तभी यहाँ हम व्यूअर्स को एक और पर्पल कलर की स्पीडस्टर की हाथ दिखती है, वो भी बैरी के साथ मिलकर सैटेलाइट को ख़त्म कर फौरन वहाँ से गायब हो जाती है। तब हम बैरी को देखते जो कि घायल अवस्था में अब नीचे आता है, जिसे देख पूरी पब्लिक तालियां बजाती है और फिर बैरी अब यहाँ से निकल कर स्टार लैब पहुँचता है, जहाँ पर सेसिल एक बेटी को जन्म देती है, जिसे देख पूरी फ्लैश टीम खुशी से झूम उठते हैं। वहीं अब अगली सुबह मार्लिस हैरिसन के माइंड को स्टेबल करने की डिवाइस देकर फ्लैश टीम से अलविदा लेकर वापस इंग्लैंड लौट जाती है। तब सिस्को या मार्लिस की डिवाइस से थिंकिंग कैप में अटैच कर हैरिसन का इलाज करता है। अब यहाँ हैरिसन का दिमाग स्टेबल तो हो जाता है, यानी कि आज के बाद हैरिसन चीज़ें भूलेगा नहीं, पर जो चीज़ें हैरिसन अब ऑलरेडी भूल चुका है वो इसे अब कभी याद नहीं आने वाला, जिसे सुन अब हैरिसन अब अपनी साधारण जिंदगी अपने अर्थ टू पर गुजारने का मन बनाता है और फिर हैरिसन भी सभी से अलविदा लेकर अपने अर्थ टू पर लौट जाता है। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हमें जोय के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ जोय के न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के लिए फ्लैश टीम पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिससे मिलने वैली भी आता है जो कि अब लीजेंस के साथ काम कर रहा है और उसे उन्हीं के साथ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब इसी बीच यहाँ वो इस स्पीडस्टर लड़की भी अचानक से आती है। तब सभी इसे देखकर दंग रह जाते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन और ये क्यों बार बार किसी न किसी फ्लैश टीम मेंबर के आसपास होती है, जिस पर अब ये लड़की खुद का नाम नोरा वेस्ट एलन बताती है। ये फ्यूचर से यहाँ आई है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बैरी और आयरिस की फ्यूचर वाली बेटी है, जिसे सुन सभी दंग रह जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड और फ्लैश सीजन 4 भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।